हेलो फ्रेंड्स, यह है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर। फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी में है जो गियर का प्रॉब्लम आ रहा है, अब फर्स्ट गियर में जैसे गियर डालते हैं, गियर थोड़ा टाइट जा रहा है। जैसे ही मूव करके हम ये करेंगे तो देख सकते हैं सेकेंड गियर जो है नहीं पड़ रहा है। इसमें थोड़ा गियर डालना, देख सकते हैं गाड़ी जो स्टार्ट है। जो गाड़ी में है फर्स्ट गियर और सेकंड गियर जो रनिंग में है नहीं पड़ रहे हैं। नहीं, अभी सिर्फ फर्स्ट गियर जो डाला हूँ गाड़ी, देख सकते हैं कि सेकंड गियर तो नहीं पड़ रहा है। इसमें गाड़ी जो रनिंग है आपका, अब देख सकते हैं कि फर्स्ट गियर भी जो है स्टक हो रहा है। देख सकते हैं फर्स्ट गियर ये पड़ा है, देख सकते हैं सेकेंड गियर थोड़ा टाइट पड़ा हुआ है। जो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू गैरेज में जाके गाड़ी खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे जो यहाँ पर कंसल होते हैं, ये सब रिमूव कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते होंगे ऐसा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसका जो कंसल है गियर का, कभी कभी इसमें प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है इसमें नहीं है। पहले ही इसको ग्रीस करके सब ये करे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे आप गियर खड़ी इस गाड़ी में पड़ेगी, जब रनिंग में जैसा व्हील रोटेट होगी, अब जो आपको गियर है स्टक होने लगेगा। फर्स्ट हो या सेकेंड गियर, दो गियर प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। इसीलिए जो नेक्स्ट टाइम वहाँ पे गियर में ऐसे चक्कर हैं, गियर केबल को वहाँ से डिसकनेक्ट करके वहाँ जो है वहाँ से भी चक्कर में हम पता चला जो गियर बॉक्स में सिंकिंग वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, गियर बॉक्स खोलेंगे, इसको गियर बॉक्स बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट जो हम इसको गियर बॉक्स से बाहर निकालेंगे, निकाल के जो पीस पीस करके जो सेकेंड का फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर में जो प्रॉब्लम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं गियर बॉक्स को जो बाहर निकाल चुका हूँ मैं। जो नेक्स्ट है इसको गियर बॉक्स की फिटिंग, जो सारी फिटिंग खोलेंगे हम, आपको दिखाएंगे फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर। देख सकते होंगे गाड़ी जो लुक में है, फर्स्ट गियर में देखिए आप जा ही नहीं रहा है। आप जोर से करके डालेंगे तो चले जाएगा, एक एक बार पर नहीं जा रहा है। नेक्स्ट टाइम पूरी फिटिंग खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो ऊपर का जो केस है निकाल चुका हूँ। ये जो है फिफ्थ गियर है, जो फिफ्थ केस है 10 mm के बोल्ट आते हैं, सारे रिमूव कर चुका हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं 30 नंबर के नट आते हैं। यहाँ पे जो स्क्रू ड्राइवर का जो है इजी आप उसको यूज़ कर सकते होंगे। जो फिफ्थ गियर को है थोड़ा प्रेस करके जो है ऊपर का नट जो लूज करना होगा। जो नट निकाल के जो फिफ्थ गियर है निकाल के, ये जो प्लेट है आप देख सकते हैं 12 नंबर से, इसके 12 से इसके बोल्ट खुल के जो प्लेट निकालेंगे, और ये गियर शिफ्टर है उसको भी निकालेंगे। तो निकाल के जो सारे बोल्ट खोलेंगे, खोलने के बाद जो है हर केस निकालेंगे इसका। देख सकते हैं नेक्स्ट जो है ये फिफ्थ गियर है, फिफ्थ गियर निकालूंगा, निकाल के जो शिफ्टर है ये सब खोलने लगा। देख सकते हैं जो ब्रैकेट है 10 mm का बोल्ट है, इसको खोल के जो पूरा शॉफ्ट है इजीली आ जाएगा फिफ्थ गियर का। इसका जो कार्गो सिंक्रोनाइजर सब है असेंबल है ये फिफ्थ गियर है। तो इसका जो है करा दोनों खोल के जो है बाहर निकाल के, बाद में जो प्लेट के जो बोल्ट हैं 12 से इसके बाद ये प्लेट खोलना होगा। खोल के निकाल के जो है जो हाफ केस है निकाल के दिखाऊंगा। ऊपर देख सकते हैं सारे 12 से इसके बोल्ट हैं, आपको खोल लेना होगा। अंदर से भी आएंगे आपको बोल्ट, अंदर से भी आपको बोल्ट आएंगे, वो भी दिखाऊंगा। पहले कंप्लीट खोल के जो है ये करेंगे आपको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो इसके ऊपर का जो केस है निकाल चुका हूँ मैं। देख सकते हैं सारे खोल चुका हूँ, दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर, ये जो फर्स्ट और सेकेंड गियर है इसको जो हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के जो इसके जो सिंक्रोनाइजर हैं, इसके जो गियर हैं चेक करेंगे हम। जो गाड़ी में गियर टाइट पड़ने का रीज़न क्या है आपको प्रॉपर दिखाएंगे। इसको जो गियर है बाहर निकालेंगे, विदिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड रिवर्स। तो हम क्या करेंगे, तो शाफ्ट जो शाफ्ट हैं शाफ्ट खोलेंगे, तो से इसके बोल्ट खुली शाफ्ट निकाल के जो रिवर्स गियर निकालेंगे। यहाँ से जो टॉप गियर है इसका, जो टॉप गियर निकालने के बाद सेट ये जो आएगा लेफ्ट आएगा, आपको दोनों होंगे सेट निकालना होगा आपको। जो नेक्स्ट टाइम इसके 12 से इसके बोल्ट खोल के जो शिफ्टर है शिफ्टर निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अलंकी के बोल्ट आएंगे,
सोलंकी के बोल्ट को आपको तीनों बोल्ट को खोलना होगा, अंदर एक स्प्रिंग और बॉल्स, तीन स्प्रिंग तीन बॉल्स आएंगे आपको अंदर, जो अब आप खोलेंगे तो आपको दिखेगी। मेन आपको जो है वो ध्यान से देख लेना होगा स्प्रिंग और बॉल्स, और तीनों को निकाल के जो है रख लेना होगा, मेन बॉल्स का देख लेना होगा। जो नेक्स्ट टाइम वो तीनों अलंकी बोल्ट खोलेंगे, जो 5 mm के जो अलंकी के बोल्ट हैं आप देख सकते होंगे, तीनों बोल्ट खोलने होंगे आपको। ये तीनों बोल्ट में जब देखते हैं शिफ्टर, ये जो है बैठे, ये जो राड देख रहे हैं आप शिफ्टर, इसी में अंदर जो बॉल्स स्प्रिंग में जाके जो आप ट्रक करेंगे। नेक्स्ट टाइम तीनों खोलेंगे, ये जो है हाफ फुल पीस पीस करेंगे, इसको पीस करने के बाद जो है फर्स्ट और सेकेंड गियर में जो प्रॉब्लम था वो दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे इसको जो बाहर निकाल चुका हूँ मैं, ये जो है फर्स्ट और सेकेंड गियर है, इसमें क्या हो रहा है तो आप भी को जो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे पता है। इसके जो बेरिंग है, ये जो बेरिंग है इसको बाहर निकालेंगे, जो बेरिंग को निकालने के बाद जो है इसका जो शॉफ्ट, ये जो स्लीव हमने फर्स्ट और सेकेंड गियर को जो है बाहर निकाल के जो अंदर क्या हुआ है इसको चेक करेंगे हम। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, जो बेरिंग है ये बेरिंग को हमको निकालना होगा। ऐसे ही आप टैप करोगे तो जो बेरिंग है आपको डैमेज हो जाएगी, वहाँ तो आपको जो बेरिंग है लेट में प्रेसिंग कराना होगा। वैसे ही आप मारने जाएंगे तो जो बेरिंग है इसको जो डैमेज हो जाएगी। तो ये देख सकते होंगे इतनी गैप में आपको जो है प्रॉपर मारने के लिए उस तरह का टूल्स होना चाहिए आपको, नहीं तो जो बेरिंग है आपको डैमेज हो सकती है। नहीं तो हम क्या करेंगे, तो जो बेरिंग है लेट में प्रेस करेंगे, जो बेरिंग प्रेस करा के बाहर निकाल के जो इसका जो कॉक सब स्लीव सब है बाहर निकालेंगे, जो नेक्स्ट टाइम जो लेथ में है प्रेस कर लगेंगे, जो मारने जाएंगे तो बेरिंग तो डैमेज पड़ेगी। तो देख सकते हैं आप, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं शाफ्ट में से निकाल चुके हैं हम गियर फर्स्ट और सेकंड गियर, वो दिखा देता हूँ फर्स्ट गियर की कंडीशन कैसा और सिंक्रोनाइजर है। देख सकते हैं ये इसका फर्स्ट नंबर का सिंक्रोनाइजर है, कहाँ पे आपको डैमेज हुआ दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं साइड में कार्नर में फ्लैश ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं कार्नर में जो ये घसा हुआ है ना, इसीलिए जो आपको जो गियर है पकड़ेगा वो तो कोई एक ही जगह नहीं, तीनों साइड में ऐसा ही दिखेगा। तो देख सकते हैं ये जो पिसर है आपको जो गियर है स्टक होने में दिक्कत करेगा। ये रहा फर्स्ट गियर का, क्योंकि तो हमको सारे यूनिट चेंज करेंगे हम, इसको जो तीन हैं तीनों को चेंज कर देंगे हमें। ये रहा फर्स्ट गियर और ये रहा सेकेंड गियर, इसकी सिंगल नज़र की आप कंडीशन आप देख सकते होंगे, इसमें भी पूरा घिस के ये तरफ देख सकते होंगे आप, क्योंकि जो सेकेंड गियर में जब खींचते हैं तो गियर ही नहीं पड़ेगा आपको। इसका जो रीज़न था ये सिंकर नॉइज़र का था, देख सकते हैं इसको पूरी यूनिट चेंज करेंगे हम, इसको नेक्स्ट टाइम इसको न्यू चेंज करेंगे दोनों साइड को फर्स्ट और सेकेंड को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो न्यू इसके जो सिंक्रोनाइज़र है ला चुका हूँ, इसके MRP भी आप देख सकते हैं इसका। नेक्स्ट टाइम इसको शॉप में से जो है इंश्योरेंस करेंगे फर्स्ट और सेकेंड गियर, ये इसका हब और ये जो है दो डैमेज है, ये जो है दो न्यू वाले सिंक्रोनाइज़र फर्स्ट और सेकेंड गियर, पहले में और दूसरे में डिफरेंस आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं ये वाला न्यू, इसी में ऐसा कुछ डैमेज नहीं है, कितना स्मूथ है, डैमेज वाला है सो दिखाऊंगा आपको। देख सकते होंगे आप यहाँ पे जो गोल्ड गोल्ड घिसा वाला है, नेक्स्ट टाइम एक एक करके जो है इंस्टॉल करेंगे फर्स्ट और सेकेंड सेंसर से। आपको थोड़ा सा इसको जो क्लीन करें वॉश कर लेना होगा, जो पिसर हो सकते हैं इसके पिसर से क्लीन कर लेंगे, जो डीजल से अच्छा सा वॉश कर लेंगे हम इसको, वॉश करके जो है प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उठाएंगे। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट जो है हम इसको सिंक्रोनाइज़र डालेंगे
फर्स्ट फिर बिठाएंगे इसको, तो पहले बिठा लेते हैं गोल्ड। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसका जो हब है आप देख सकते हैं, ये जो हब है इस डायरेक्शन में आपको बैठेगा, स्टोन है इस तरह के सब डालेंगे। ये जो तीन स्लॉट दिख रहे हैं इसमें जाके जो है ये लो, जो ये जो वाले जो लॉट में ये तीनों कट बैठना होगा। फ्रेंड्स फर्स्ट गियर को जो है मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, सिंक्रोनाइज़र आप देख सकते होंगे। जैसे आप सिंक्रोनाइज़र के जो हब है इसका बिठा के हल्का सा जो आपको साइड में टॉप पर लेना होगा, यहाँ पर एक लॉक आएगा, इसको देख सकते हैं स्लॉट है यहाँ पे है, यहाँ स्लॉट में एक लॉक बैठेगा। फर्स्ट एक जो लॉक है डालने के बाद ध्यान से आपको जो है नीचे की तरफ रखो, कुछ यहाँ पे एक दिखा सकते हैं, यहाँ पर से एक कुछ बिट से कुछ सा टूल्स रख के अब जो है ये लगाने, तो बैरिंग को जो नीचे रखेंगे आप मारेंगे जो है बैरिंग डैमेज हो जाएगी, इसीलिए जो आप देख सकते हैं इस तरह की एक बिट में नेट सपोर्ट रखे जो ऊपर से है टॉप किया है। जो नेक्स्ट है यहाँ पर लॉक आएगा वो देख सकते हैं, नेक्स्ट जो लॉक डालने के बाद है जो उसका है सिंक्रोनाइज़र और एमपी की एक बेयरिंग आएगी, देख सकते हैं इस बेयरिंग को सिंक्रोनाइज़र को और ये हब को। जब नेक्स्ट है सेकेंड वाक्य डालेंगे हम, जो लॉक डाल देंगे फर्स्ट इसका जो स्पेशल टूल से जो है इसको ओपन करके जो कटिंग है इसमें उस कटिंग में स्टोर कर देना होगा इस लॉक को। तो फ्रेंड्स देख सकते होंगे इसका जो फर्स्ट और सेकंड गियर है इंस्टॉल कर चुका हूँ, देख सकते होंगे इसके जो काउंटर है, काउंटर ये स्लीव जो काउंटर बेयरिंग्स देख सकते होंगे, फर्स्ट सेकंड इसका जो हब में जो है फर्स्ट सेकंड बैठ जाएंगे, ये तीनों जो है काउंटर डाल के सेंटर में स्लीव डाल देंगे, एक बेयरिंग और एक बेयरिंग, दोनों बेयरिंग के न्यू चेंज किए हूँ। थोड़ा सा डैमेज रहेगा तो आपको नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होएगा, देख सकते हैं दोनों को जो है न्यू बेयरिंग चेंज किया हूँ, आप इधर से ही चेक कर सकते होंगे इजीली, आपको जो गियर हैं पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट टाइम है इंस्टॉल कर देंगे उस केस में, आप देख सकते हैं ये आ रहा इसका थर्ड फोर्थ गियर, इसमें दोनों इंस्टॉल करके जो है केस में है इंस्टॉल कर देंगे, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो शिफ्टर है पूरा सब फिट कर चुका हूँ, इसे जो शिफ्टर और रिवर्स गियर है इंस्टॉल कर चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो नेक्स्ट इसकी हाउसिंग है, हाउसिंग इंस्टॉल करूँगा, यहाँ पर देख सकते होंगे इसका जो बॉन्ड डाल लेंगे, इसका जो गम आएगा, इसका जो गम डाल के जो है इसकी हाउसिंग है, हाउसिंग इंस्टॉल कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल लेना होगा बेयरिंग्स को आपको, इसकी टॉप गियर सील है, टॉप गियर सील भी आपको न्यू चेंज करनी होगी। नेक्स्ट इसकी हाउसिंग है इंस्टॉल कर दूंगा, हाउसिंग इंस्टॉल करने के बाद जो फिफ्थ गियर है इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी जो हाउसिंग है इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसके सारे 12 से इसके बोल्ट डाल के जो नक्शे में यहाँ पर लाक आएगा बड़ा सा, बड़ा लाक करके इसकी जो कोन है कोन ऊपर से मार लेंगे वो देख सकते होंगे, स्टेप पर उसका लाक आएगा अपने आपको डालेंगे, वही जो है सारे बोल्ट डाल के जो अंदर से आपको तीन बोल्ट आएंगे जो नक्शे सारी फिटिंग कर देंगे, फाइनल में आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका जो फिफ्थ गियर है इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं फिफ्थ गियर इसका जो काउंटर है, काउंटर इंस्टॉल करके जो 30 नंबर के जो नट हैं दोनों नट को टेट कर चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 10 से इसका आपको एक बोल्ट आएगा और यहाँ पर प्लेट देख सकते हैं, इस प्लेट के नीचे एक बेयरिंग के वॉशर आएगा,
पूरी प्लेट में कटिंग दिखेगा, ये कटिंग देख सकते हैं, प्लेट में कटिंग है, ये जो काउंटर पिन के है इसमें कटिंग आएगा। प्लेट देके जो इंस्टॉल कर देना होगा, नेक्स्ट ऊपर केस आके जाएगा। गियर शिफ्टर इंस्टॉल करूँगा, देख सकते हैं सारे पोजीशन न्यूट्रल में है। जो ऊपर का केस है इस केस को क्लीन करके इंस्टॉल करके जैसे सारी फिटिंग कंप्लीट करके जो गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। शिफ्टर इंस्टॉल कर चुका हूँ, रिवर्स स्विच फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट गियर सेकेंड गियर, क्योंकि गियर प्रॉब्लम है। फर्स्ट आप जब फर्स्ट गियर डाल के दोबारा न्यूट्रल करके शाफ्ट फिरा के डालते हैं, अगर शाफ्ट फिरा के आप डालते हैं तो क्या होता था, आपको सेकेंड गियर जो जाने रहे था। आप देख सकते हैं इजीली जा रहा है इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिवर्स, ऐसा कोई गियर में इशू नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम जो गियर बॉक्स में ऑयल है गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करके जो ऑयल डाल के जो गाड़ी में ट्रेल है चेक कर देंगे, देख सकते हैं इजीली जो फर्स्ट सेकेंड गियर जा रहा है इसमें, जो नेक्स्ट है गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर देंगे इसको। तो फ्रेंड्स गाड़ी जो इसकी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं जिस टाइम मैं गाड़ी को ट्रायल पर आया हूँ, आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड इजीली जो गियर हैं इसके जा रहे हैं। बस फर्स्ट गियर गाड़ी स्टार्टिंग में है, आप देख सकते होंगे गाड़ी थोड़ा मूव किया मैंने दोबारा से सेकेंड, देख सकते हैं कितनी इजीली से पड़ रहा है गियर, गाड़ी मूव है। न्यूट्रल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दिया जो जिसका फर्स्ट और सेकेंड गियर है इजीली जा रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। जो नेक्स्ट जो सिंक्रोनाइजर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, ऐसा कोई गाड़ी में से गियर जाम और पकड़ना ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, काम में सक्सेस हो चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो यार।